हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम विद जीआरटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 2 ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के इस चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यानी खेल तथा पोषण। तो हम इस चैप्टर में खेल के बारे में पढ़ेंगे और पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हर व्यक्ति हष्ट पुष्ट व स्वस्थ रहना चाहता है। आहार और पोषण हमारी वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो डाइट है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो न्यूट्रिशन की आवश्यक प्रत्येक व्यक्ति को है। पोषण खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि वैसे तो जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो हर किसी को पड़ती है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है, जो भी भाग ले रहे हैं उसमें गेम्स में जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उचित न्यूट्रिशन की आवश्यकता से खिलाड़ी अपनी खेल की जो प्रदर्शन है उसको बढ़ा सकता है। तो हम लोगों ने इसमें समझा कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है और क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे बैलेंस डाइट का मतलब कि मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व यानी एलिमेंट हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा मतलब फैट, विटामिन, खनिज मतलब मिनरल्स, लवण मतलब सॉल्ट और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब कि वह डाइट जिसमें भोजन के सभी जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत पड़ती है, अगर वो सभी चीज़ अगर एक सही मात्रा में हो तो उसी को ही हम बैलेंस डाइट कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का अर्थ। तो जो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस को कहा जाता है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी भोजन को पचा लेता है और उसका प्रयोग यानी यूज़ उत्तकों यानी टिश्यूज़ की ग्रोथ व रिप्लेसमेंट के लिए करता है। सिंपल है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो एक जीवित प्राणी होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग होता है, वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है और उसका यूज़ फिर टिश्यूज़ और टिश्यूज़ की ग्रोथ और रिप्लेसमेंट के लिए करता है। तो यहाँ पे दो तरह के न्यूट्रिशन दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड है हमारा माइक्रो। तो पहले हम लोग मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो को हिंदी में वृहत भी कहते हैं। तो जो मैक्रो पोषक है वो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग अपने खाने में जो हमारा डाइट है, जो हमारा आहार है, उसमें हम लोग ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर शामिल होते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा साधारण कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सभी पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे कि मेल्टोस हो गया, सुक्रोज हो गया, जो भी इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सारे के सारे पानी में घुलनशील होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते, तो इसमें शुगर आता है, स्टार्च आता है और भी एक्सेट्रा आ जाते हैं इसमें। अब सेकंड है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन नए टिश्यूज़ को बनाती है और टूटे हुए टिश्यूज़ की मरम्मत करती है। ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से भी हार्ट डिसीज़, किडनी स्टोन्स हो सकती है, विशेषकर पशु प्रोटीन वो होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। अगर हम उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते तो इसकी कमी से बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रोटीन का वर्क क्या होता है? प्रोटीन का वर्क ये होता है, ये टिश्यूज़ को बनाती है और उसकी मरम्मत करती है। अब थर्ड है हमारा वसा। वसा को इंग्लिश में कहते हैं फैट। जो फैट है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें गर्म रखता है और ये हमारे सॉफ्ट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो कोमल अंग हैं हमारे उनको सुरक्षा प्रदान करता है।
अब लास्ट है हमारा वाटर, वाटर मीन्स पानी। जो पानी है हमारे ब्लड में 90% पाया जाता है, 90% पानी हमारे ब्लड में पाया जाता है। और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बिना पानी के तो हम जी ही नहीं सकते। पानी शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है और पानी पेट के बेकार पदार्थ को साफ करने में सहायक होता है। सो ये चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना भी ज़्यादा हो उसे आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।